पप्पू यादव को वोट मत देना, चाहे तो बीजेपी वालों को जिता देना, एनडीए गठबंधन को जिता देना। ऐसी भी चर्चा है कि तेजस्वी के इस बयानबाजी से राहुल गांधी भी नाराज हुए हैं। अच्छा। तो बच्चों का झगड़ा हुआ कि तुमने मेरी पेंसिल तोड़ दी, मैं तुम्हारा रबड़ फेंक दूंगा, उस टाइप का इन लोगों ने झगड़ा बना लिया। और देखिए, ये जो काम कर रहे हैं तेजस्वी, ये राजनीतिक रूप से भी चतुरा वाला काम नहीं है। जो मेरी यही मतलब समझ है कि पूर्णिया का चुनाव पप्पू यादव जीतने जा रहे हैं। पप्पू यादव को हराना लालू और तेजस्वी ने मूंछ की लड़ाई बना ली। हाँ, बिल्कुल, है ना, प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया हो। तो एक मतलब यादवों के बीच भी एक मतलब थोड़ा गुस्सा वाली बात है ना कि भाई एक परिवार के हम लोग बंधुआ मजदूर हैं क्या। और देखिए, बीमा भारती करे कि पप्पू यादव का आपराधिक इतिहास है, जिस बीमा भारती के अपने पति जो अवधेश मंडल है वो कुख्यात अपराधी है। कि कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों की लड़ाई में जो असली मलाई है वो कोई और खा जाए, यानी जदयू के जो कैंडिडेट है कहीं वो ना जीत जाए। पप्पू यादव को वोट मत देना, चाहे तो बीजेपी वालों को जिता देना, एनडीए गठबंधन को जिता देना। तेजस्वी यादव के वो शब्द इस वक्त बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर चुके हैं। अब कंफ्यूज हो गए हैं राजद के लोग भी कि करें तो क्या करें। पूर्णिया लोकसभा के साथ ही बाकी जो सीटें हैं उन पर भी कंफ्यूजन शुरू हो चुका है, यानी कि यहाँ राजद के कैंडिडेट और साथ में जो विपक्ष के कैंडिडेट हैं यानी कि बीजेपी वाले कैंडिडेट जो है, उनमें अगर कोई तीसरा आता है तो समर्थक क्या करें। इस विवाद के बीच लोग जानना चाहते हैं कि अब पूर्णिया लोकसभा का क्या होगा। ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्णिया में जिस तरह से हमने देखा तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा, आपको क्या लगता है पूर्णिया का क्या माहौल बन रहा है और जीत कौन रहा है पूर्णिया फिलहाल? लेकिन तेजस्वी ने जो कुछ कहा है उसकी बहुत चर्चा हो रही है और उससे कहीं ना कहीं ये एक संदेश जा रहा है कि जैसे पप्पू यादव को हराना लालू और तेजस्वी ने मूंछ की लड़ाई बना ली। हाँ, बिल्कुल, है ना, प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया हो। अब मैं दर्शकों को थोड़ा इसका मतलब इसकी पृष्ठभूमि बताता हूँ। तो पप्पू यादव तो पहले भी पूर्णिया से दो तीन बार सांसद रह चुके, निर्दलीय भी रहे हैं और उनकी एक छोटी सी पार्टी भी थी, जन अधिकार पार्टी, जिसको संक्षेप में जाप कहते थे। अभी दो तीन महीने पहले पप्पू यादव ने उसका विलय करा दिया कांग्रेस में और उसके बाद ये बात मानी जा रही थी कि पप्पू यादव को ही कांग्रेस का टिकट पूर्णिया से मिलेगा। पप्पू यादव की जो पत्नी है रंजीता रंजन, वो ऑलरेडी कांग्रेस की एमपी है, राज्यसभा एमपी है छत्तीसगढ़ से। लेकिन बीच में लालू यादव ने एक मतलब कह सकते हैं एक अजीबो गरीब खेल कर दिया कि जो रुपौली से जदयू की विधायक है बीमा भारती, उनको जदयू से उठा के राजद में लाया और रातों रात लालटेन छाप देकर सिंबल देके पूर्णिया भेज दिया, है ना। तो उसके बाद तो पूरा पप्पू यादव का खेल खराब हो गया। और पप्पू यादव देखिए कई साल से पूर्णिया के लिए मेहनत कर रहे थे, उनका एक प्रणाम पूर्णिया अभियान जैसा चल रहा था और एक उनकी प्रणाम पूर्णिया रैली हुई थी और बहुत सफल रैली हुई थी। तो वो मान के चल रहे थे कि ये तो उनके समझे कि किसी के मुँह से कौर छिना जाता है वही उनकी फीलिंग हुई होगी जब उनको टिकट नहीं मिला होगा। तो और अब जैसा लग रहा है, जिस तरह की अभी आप तेजस्वी ने कहा कि ठीक है एनडीए को भी दे देना, मतलब हमें नहीं देना, तो मतलब एनडीए के जो संतोष कुशवाहा है उनको दे देना जदयू वाले को, तो इससे लग रहा है कि जो लालू परिवार है ये एकदम डिस्पेरेट हो गया है पप्पू यादव को हराने के लिए। लग रही है कि तेजस्वी यादव जब ये कहते हैं कि अगर हमारा कैंडिडेट पसंद ना आए, यानी कि अगर बीमा भारती पसंद नहीं आए, तो आप एनडीए के कैंडिडेट को दे देना, मतलब कहीं ना कहीं तेजस्वी भी समझ रहे हैं कि बीमा भारती इतनी बड़ी कैंडिडेट नहीं है जो पप्पू यादव को टक्कर दे पाए। खुद तेजस्वी ये मान रहे परोक्ष रूप से। हाँ, मान रहे हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं तो इससे लालू परिवार की एक असुरक्षा भी तो जग जाहिर हो गई है। देखिए मतलब जो चर्चा है, और मैं भी उसी को मानता हूँ कि लालू परिवार चाहता है कि बिहार में यादवों का नेतृत्व उसी के पास रहे, मतलब या तो लालू यादव के पास रहे या तेजस्वी के पास रहे। लालू का परिवार नहीं चाहता है कि परिवार के बाहर के किसी आदमी के पास यादवों का नेतृत्व चला जाए। और पप्पू यादव एक कद्दावर नेता है, बहुत दिनों से कर रहे हैं और सबसे बड़ा जुझारू नेता है, जमीनी नेता है, कुछ भी होगा तो मतलब बस पूर्णिया में नहीं बिहार के किसी कोने में वो प्रकट हो जाते हैं। पटना में भी जल जमाव होगा तो अपना पेंट मोड़ के घुस जाएंगे पानी में। तेजस्वी यादव जो जातिगत अपना वोट बैंक है, यादवों का वोट है बिहार के अंदर, वो बांटना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर, उनके बयानबाजी से ये साफ लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। और ऐसी भी चर्चा है कि तेजस्वी के इस बयानबाजी से राहुल गांधी भी नाराज हुए हैं। अच्छा, क्योंकि यदि तेजस्वी यादव कहने लगे कि भाई हमें नहीं देना तो एनडीए को देना, तो ये बात राहुल गांधी को अच्छी नहीं लगेगी। वो राष्ट्रीय पार्टी के नेता है, राष्ट्रीय संदर्भ में सोच रहे हैं, उनको पप्पू यादव से क्या झगड़ा है? तो ये देखिए तेजस्वी को कहना नहीं चाहिए, मैं इसे तेजस्वी की एक अपरिपक्वता
का उदाहरण मानता हूँ कि मैच्योरिटी नहीं है इस तरह से राजनीति में नहीं होता है कि आप एकदम, ये तो बच्चों का झगड़ा हो, आवेश में आके, आवेश में हो गया, तो बच्चों का झगड़ा होगा कि तुमने मेरी पेंसिल तोड़ दी, मैं तुम्हारा रबड़ फेंक दूंगा, उस टाइप का इन लोगों ने झगड़ा बना लिया। और देखिए ये जो काम कर रहे हैं तेजस्वी, ये राजनीतिक रूप से भी चतुरा वाला काम नहीं है, क्योंकि ये सब करके ये पप्पू यादव के प्रति एक सहानुभूति लोगों में पैदा कर रहे हैं। ऑलरेडी पप्पू यादव के प्रति लोगों में सहानुभूति हो गई, सिर्फ पूर्णिया में नहीं पूरे बिहार में लोगों को लग रहा है कि उनका बेचारे ने अपनी पार्टी का विलय भी कर दिया कांग्रेस में, विलय की कहने भी किया है। हाँ, और विलय किया तो कोई आश्वासन पर ही ना एक विलय किया होगा, कैसे ही घुस गया कांग्रेस में, और फिर उनके साथ ऐसा मतलब एक मतलब तो दगाबाजी ही कहा जाएगा, कोई लिखित समझौता थोड़ा होता है कि आपको यहाँ का टिकट मिलेगा, सब कुछ मौखिक होता है। देखते हैं राजनीति में कि एक होता है कि अंदर से एक छुप के एक दगाबाजी की जाती है, या यूं कहें कि राजनीति में इस तरह की चीज़ें होती रहती है, लेकिन इतना खुलकर हो रहा है पूर्णिया में जो पप्पू यादव के साथ। उसके बाद पूर्णिया की जो पब्लिक है, ख़ास तौर पर जो पूर्णिया का वोटर है जिसे राजद अपना वोटर मानता है, माय वोटर, मुस्लिम और यादव वोटर, आपको क्या लगता है इतना कुछ हो रहा है किधर जाएगा माय वोटर? नहीं, अभी आज भी जो मेरी यही मतलब समझ है कि पूर्णिया का चुनाव पप्पू यादव जीतने जा रहे हैं। एक तो पहले से कद्दावर नेता हैं, ऐसा नहीं कि रातों रात आ गए हैं, पहले से सांसद रह चुके हैं, बहुत उन्होंने काम किया है ज़मीन पर, और ये लोग जो इन लोगों ने जिस तरीके से घेराबंदी की है उससे एक सहानुभूति लहर भी, आज भी देखिए तेजस्वी के रोड शो में, आज सब प्रचार का अंतिम दिन था, तेजस्वी के रोड शो में हंगामा हुआ है पूर्णिया में, है ना, तेजस्वी का रोड शो हो रहा था, उसमें लोग पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो एक मतलब यादवों के बीच भी एक मतलब थोड़ा गुस्सा वाली बात है ना कि भाई एक परिवार के हम लोग बंधुआ मजदूर हैं क्या? ऐसा थोड़े है कि जितने यादव है पैदा होते ही लालू परिवार के बंधुआ मजदूर बन जाते हैं, उनमें भी तो लगा कि भाई एक ये भी एक पुराना नेता है, इसने भी काम किया तो भाई इसको भी मानना चाहिए। और देखिए बीमा भारती करे कि पप्पू यादव का आपराधिक इतिहास है, जिस बीमा भारती के अपने पति जो अवधेश मंडल है वो कुख्यात अपराधी है ना, सब जानते हैं, कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो अब ये सब बातें होंगी तो सबसे तो पप्पू यादव को फायदा ही मिलेगा, और यदि पप्पू यादव जीत जाते हैं जिसकी संभावना मुझे दिख रही है, तो समझिए कि लालू परिवार की मतलब एक तरह से व्यक्तिगत हार होगी। राजनीति में तो जीत हार होती रहती है, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने मूंछ की लड़ाई बना लिया है, उसको पूर्णिया को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है कि इतनी ताकत झोंकने के बावजूद यदि पप्पू यादव जीत जाते हैं तब तो इन लोग को बहुत बड़ा एक धक्का लग जाएगा लालू परिवार को। जी, और जिस तरह से लड़ाई हो रही है राजद के बीच में, पप्पू यादव के बीच में, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों की लड़ाई में जो असली मलाई है वो कोई और खा जाए, यानी जदयू के जो कैंडिडेट है कहीं वो ना जीत जाए, क्योंकि ये आसार भी लग रहे थे कि देखिए मौजूदा सांसद जदयू के ही हैं, और ये आसार लग रहे थे कि पप्पू यादव को अगर टिकट मिलता पूर्णिया से, राजद का टिकट मिलता है इंडिया गठबंधन का, तो उनकी जीत की संभावना बन रही थी। लेकिन अब इस तरह की लड़ाई में आपको क्या लगता है, तीसरा विकल्प ये खुल सकता है कि जीत जाएं एनडीए उम्मीदवार? इसकी मुझे संभावना नहीं दिख रही, मुझे लगता है कि संतोष कुशवाहा दो बार से जीत रहे हैं, है ना, और तीसरी बार जीतना मुझे नहीं लगता है, तो थोड़ा जब आप दो तीन बार सांसद रह जाते तो थोड़ा एक एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को आप खुश नहीं कर पाते हैं तो वो लोग आपसे खुद नस खा के बैठे रहते हैं कि चलो इसको चुनाव में सबक सिखाते हैं, तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी। दूसरी बात है कि पप्पू यादव का अपना कद बड़ा है, संतोष कुशवाहा से तो कम से कम बड़ा राजनीतिक कद पप्पू यादव का है, ज़्यादा बड़ी पहचान है, और तीसरी बात वही जो मैंने कही कि एक सहानुभूति लहर जो संतोष कुशवाहा के पक्ष में नहीं जाएगी। और इंटरेस्टिंग बात है कि पूर्णिया में मोदी जी जब प्रचार में गए तो उसे पलटू राम नहीं थे मंच पर, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब जदयू का प्रत्याशी वहाँ से खड़ा है तो पलटू राम जो सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो क्यों फरार थे उस दिन? तो इससे भी लग रहा है कि अब इसका लोग अलग अलग तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के मोदी जी इनको नहीं मंच पर आने दे रहे हैं, कि कभी बोलते हैं 4000 सीट जीत लेंगे तो कभी ये ना बोल दे नीतीश बाबू कि हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, तब तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो जाएगी। ये भी एक विश्लेषण है। जी, हम लोग बात करेंगे सर। तो कुल मिलाकर देखिए तेजस्वी जिस तरह से कह रहे हैं कि पप्पू को मत जिताइए, भले एनडीए उम्मीदवार को जिता दीजिए, जदयू को जिता दीजिए, बीमा भारती पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, अपना वोट पप्पू यादव को मत दीजिए, किसी और को भले दे दीजिए, तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं उससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि जो लालू परिवार है उसमें जो तेजस्वी यादव हैं वो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर इतने ज़्यादा चिंतित हो चुके हैं कि शायद वो ये भूल गए हैं कि राजनीति में ऐसी बयानबाजियाँ नहीं दी जाती हैं, और इसका नुकसान सीधे राजद को हो रहा है पूर्णिया में। अब एक और सहानुभूति की बड़ी लहर पप्पू यादव की तरफ चल चुकी है, और
ये भी हो सकता है कि इस पूरी लड़ाई का फ़ायदा सीधे सीधे जदयू कैंडिडेट को मिल जाए। पूर्णिया में फिलहाल यही सब कुछ हो रहा है और जो कुछ भी होगा ज़रूर आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल इस विश्लेषण में चर्चा में इतना ही। नमस्कार।